सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात हम कर रहे हैं। और एक सुंदर बात यहाँ पर आई कि सम्यक दृष्टि जीव 194 नंबर की गाथा में हमने पकड़ समझा कि उसका जो परिणाम है वह परिणाम आगामी काल में कर्म बंधन का कारण नहीं होने से निर्जरा का कारण था, और मिथ्या दृष्टि जीव का परिणाम आगामी काल में पुनः पुनः कर्म बंधन होने का कारण होने से आश्रव ही का है। बराबर ख्याल में है कि नहीं? फिर से आई समझ में बात कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव का परिणाम और मिथ्या दृष्टि जीव का परिणाम, सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम संवर पूर्वक होते, यानी ज्ञान और वैराग्य शक्ति से वो अपने अंतर को विषयों में और रागादि से रोक देता है, और रोक देता है इसके कारण वह इसकी निर्जरा होता है। जबकि मिथ्या दृष्टि के परिणाम हैं वो परिणाम पुनः पुनः आश्रवादी के बंधन के कारण बन। जैसे आचार्य ने इसके लिए एक सुंदर शब्द बोला है, मात्र इसका मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मिथ्या दृष्टेस्तु गज स्नानवत बंध पूर्विका भवत। ये गज स्नान शब्द पता चल गया ना कि हमारे परिणाम कैसे होते हैं। गज स्नान की भांति, गज स्नान आपने नहीं सुना होगा, नहाया हाथी पानी में गया, नहाया, नहाने के बाद बिल्कुल धूल को निकाला, और बाहर आने के सबसे पहले क्या करता है, फिर से वो सूंड में धूल भरता है और पूरे शरीर के ऊपर छोड़ देता है। इसलिए जिस वस्तु से पीछा छुड़ाया पुनः वही काम करना, जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उस चीज को बोलते हैं गज स्नान। कौन सा स्नान? गज। तो हमारे परिणाम में से एक कर्म छूटता है, नहा धो के निकले ही देगी दोबारा, फिर दूसरे कर्म में धूल में, उससे छूटे तो तीसरे में, मतलब हम कर्मों के कादव में निरंतर कूदते रहते हैं, इसीलिए स्वच्छता को पाते नहीं। बराबर ख्याल में आया? गज स्नान शब्द का, गज स्नान की भांति है। बोलो, आपको अगर ऐसा करने को कहा जाए नाव फिर गंदे हो, नाव फिर गंदे हो, कैसा लगे? कोई मजाक है क्या? कर्मों में ऐसे ही तो कर रहा है, ये एक उदय में आके छूटता है तो दोबारा दूसरे में बंद हो जाता है। कर्मों को आप नहीं देखते, लेकिन इच्छाओं को तो आप देख पाते हो। कर्मों को तो कहाँ पड़ी, अगर कर्म दिखते होते तो या तो हम पागल हो गए होते या वैरागी हो गए होते, दो चीज़ें हैं। अच्छा है जो अच्छा है बुरा जो समझ लो आप, कर्म अगर हमें दिखते होते तो या तो हम पागल हो गए होते, इतने बंद रहे, या वैरागी हो गए होते। लेकिन अंदर के भाव को तो आप पकड़ सकते हैं ना, कि एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा चालू, एक मिशन कम्प्लीट हुआ नहीं कि दूसरा मिशन चालू। बिजनेस में अपने क्या होता है, एक एक डील पूरी हुई नहीं कि दूसरी डील चालू। घर में क्या होता है, सुबह का खाना पूरा हुआ नहीं कि शाम का चिंतन चालू। एक वस्तु जिसके लिए महीने भर से प्लानिंग कर रहे हो वो आ गई तो फिर दूसरी प्लानिंग चालू। कॉन्स्टेंट मन क्या रहता है, वस्तुओं में भटकता ही रहता है। और सही बताऊ ना, आदत भी हमें ऐसी हो गई है कि अगर कुछ भटकन की चीज ना मिले तो हमें चैन नहीं पड़ती। उपयोग को अपने में लगाने की बजाय हमने सपने में लगाना ज्यादा अच्छा समझ लिया। सपना वगैरह आजकल का बहुत पॉपुलर वर्ड है, ड्रीम 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 एंड डिजायर, ड्रीम एंड डिजायर। ओ सपने में लगा बस, और ऐसे ही सिखाते हैं सब लोग आपको,
बड़े सपने देखो बस। इसीलिए व्यक्ति उपयोग को अपने में लगाने की बजाय कहाँ लगा रहा है, सपने में लगा रहा है। और इसीलिए पुनः पुनः कर्मबंध को पा रहा है। सम्यक दृष्टि यथार्थ जीवी है। कौन सा जीवी है? यथार्थ जीवी। यथार्थ जीवी मतलब वो कोई भी चीज का सबसे पहले मूलभूत निर्णय करता है और मूलभूत निर्णय के बाद आगे बढ़ता है। और मूलभूत निर्णय जब ये है कि मैं चैतन्य ध्रुव त्रिकाली नायक तत्व अणु मात्री पर को ग्रहण कर सकता नहीं हूँ, तो जब मैं ग्रहण कर सकता नहीं हूँ तो ग्रहण करने के भाव में स्वयं क्यों मिट जाऊं, ये यथार्थ जीवी। जब उसे ये पता है कि मेरा प्रदेश प्रदेश सुख से भरा हुआ है तो बाहर में सुख पाने के चक्कर में मैं अपने चैतन्य विनायक भगवान आत्मा के सुख को क्यों बुलाऊं, ये यथार्थ जीवी है। क्या कहें भैया, मानोगे तो ही पर जो है सो है, नहीं मानोगे तो अपनी भूल है और क्या करोगे। जैसे जैसे वही बात है ना, गुलामी में रहते रहते कुछ लोग थे ना जिन्हें गुलामी को कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बोले बहुत बढ़िया तो चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, खा रहे पी रहे मौज कर रहे, कोई गुलामी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं मानो तो नहीं मानो तो उसका नाम स्वतंत्रता थोड़ी हो जाएगा। मानने का तो कोई ठिकाना नहीं है। मानने में तो लोग जेल में भी ये मान लेते हैं कि अपने ही घर है। मानने को तो लोग ये भी मान लेते हैं गटर भी क्या है, मानसरोवर है। मानने में क्या जाता है, विष्ठा भी क्या है, ये तो बढ़िया पकवान है। मानने वाले तो ऐसे भी है ना, मानने से क्या तय होता है, ऐसे नहीं यार समझ पा। कुछ अपराधी होते ना वो कहते जेल बिल्कुल घर जैसी लगती है, सब अपने अपने कंफर्ट जोन होता है। सुअर हो उसे गटर कैसी लगती है, मानसरोवर जैसी। विष्ठा कैसी लगती है, पकवान जैसी। तो मानने से सत्य थोड़ी हो जाता है। जैसा भगवान ने जाना वैसा मानो तो सही है। भगवान ने अन्य जाना तो मन ने जानोगे तो कल्पना से कुछ भी मान सकते हो। मानने का कोई ठूठ और टिकाना थोड़ी होता है। इसलिए अपनी मान्यता को भगवान के ज्ञान से टैली कर। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया? चार रस्ते पर खड़े हो, मैं ये मानता हूं कि ये रास्ता जाएगा। अरे मानने वाली क्या बात है, जो उस रस्ते को जानता है उससे पूछ ले। बोले मुझे लगता नहीं है कि यहाँ जाएगा, अब यहाँ चौराहे पे खड़े हो चंद्रनगर के चौराहे पर। अब कहते हो कि भाई मैं ये मानता हूँ कि वो मणिनगर वाला रास्ता NID पहुँचाएगा। तेरे मानने से क्या होता है, वो रास्ता तो बदल जाने वाला नहीं है। मैं ये मान रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजलि वाला रास्ता चंद्रनगर पहुँचा देगा, ये क्या कहते हैं इस तरफ वासना पहुँचा देगा। तेरे मानने से क्या, एक्चुअली मानना शब्द है ना ये थोड़ा अलग है। जहां ज्ञान पूर्वक मानना हो तो मानना है, वरना मानना किस काम का मानना है। और मैं तो ये कहता हूं कि मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप जानो। जो जानना है जैसा जैसा भगवान ने कहा वैसा का वैसा जान लो, और उसकी गहन श्रद्धा उसके ही नाम तो मानना है। कोई बेसलेस मान्यता का नाम मानना थोड़ी है। जो है सो जान रहा है। मैं इसके लिए कई बार कहता हूं कि हम में से कितने लोग मानते हैं कि हमारे दो हाथ हैं, हाथ उठाओ है? तो क्या मानना क्या है, दिख तो रहेगी और एक ही है, है? बोलो उसमें मतलब। मानना अमूर्त में घुस जाता है। हम कह रहे कि भैया ज्ञान की प्रज्ञा छेड़नी के द्वारा अपने आप को विनायक जानो, बराबर। और जब अपने आप को ज्ञायक जान लोगे समीचीन ज्ञान हो जाएगा, उसके ही नाम तो समीचीन श्रद्धान। समीचीन श्रद्धान का नाम क्या है, आप थोड़ा विचार करके थोड़ा तत्व ज्ञान के द्वारा
ये निर्णय करो कि सुख क्या है दुख क्या है ये जान लो भाई, इसी जानने का नाम तो मन है। मैंने शब्द क्या बोला था, सम्यक दृष्टि को कौन सा शब्द बोला था, कौन सा है वो सम्यक दृष्टि जीव, यथार्थ जीवी, कौन सा जीवी, यथार्थ जीवी। और मिथ्या दृष्टि कैसा है, स्वप्न जीवी। अब ये जगत के लोग उल्टी बात करते हैं, जगत के लोग क्या कहते हैं कि अध्यात्मी स्वप्न जीवी होते हैं और हम प्रैक्टिकल। अरे काहे के प्रैक्टिकल हो, दो को एक मान के चल रहे हो, मूल में ही गड़बड़ी है, कैसे सही पाओगे। दुख को सुख मान के चल रहे हो, मूल में गड़बड़ी, कैसे यथार्थ हो गया। नहीं आ रही बात ख्याल में, आ रही कि नहीं आ रही। रियलिस्टिक जीवी वस्तु छे एवी नी एवी जाने छे अने ए जानवामा अपनत्व करे छे एटले एने मानवानी वात साची कहेवामा आवे छे। मानवा के नाम पे कोई कोई हम इनको मानते, बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हम तो पार्श्वनाथ भगवान को बहुत मानते हैं। मतलब जब आप ये कहते हो हम पार्श्वनाथ को बहुत मानते हैं तो बाकी 23 को नहीं मानते, ये अर्थ हो जाता है इन भगवान की बहुत मान्यता है। जब 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 भी लोग ऐसा कहते हैं तो अन्य को पूरे स्थापना निक्षेप को गलत कह रहे हैं। मतलब ये चीजें बड़ी अव्यवहारिक और अलग टाइप की सी हैं जो लोग नहीं मान समझ पा रहे हैं। बोलो मांडवी की पोल के पार्श्वनाथ भगवान की पार्श्वनाथ अकेले भी नहीं चलेंगे, मांडवी की पोल वाले पार्श्वनाथ चलेंगे। पोल में सिद्धि बड़ी है, सबसे बड़ी पोल यही है। बराबर है। अरे प्रभो समझता क्यों नहीं है कि कोई पार्श्वनाथ भगवान जगत की किसी भी वेदी में विराजमान हो, वो एक से वितरागता की प्रतिमूर्ति है। सिद्ध क्षेत्र का महत्व है ना, जिस जगह से सिद्ध हुए हो उस जगह पे जाके तुम्हें सिद्ध होने की भावना ज्यादा होती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठ के प्रवचन सुनने का भाव होगा आपको, और यहाँ चिल्लाने का भाव होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ चुपचाप सुनने का भाव होगा, वहां चिल्लाने का भाव होगा, क्योंकि वहां उसी भाव से जाते हो और यहाँ इसी भाव से आते हो। तो सिद्ध क्षेत्र बाहर का निमित्त आपके भावों के बिना नकामा हो जाता, समझ में आएगी। अपन जब सिद्ध क्षेत्रों में जाते हैं ना, सिद्ध क्षेत्रों में जाते हैं और कुछ ज्यादा चीजें लेके जाते हैं, तब कई लोग कहते हैं अरे यात्रा माटे जा रहा है, फरवा माटे थोड़ी जा रहा है। बीजी बात कहूँ कि त्या अपने फरवा माटे जाइए, फरवा दृष्टि फेरवा माटे। देखो यात्रा के नाम से ही आपकी दृष्टि घूमती है, अलग रहती है, पहले में अलग रहती है। यात्रा के नाम की शॉपिंग और टूरिज्म के नाम की शॉपिंग एक सी होती है क्या? यात्रा की तैयारी और घूमने फिरने की तैयारी एक सी होती है क्या? यात्रा के साथी और घूमने फिरने वाले साथी एक से होते क्या? मतलब आप देखोगे कि वो यही महात्म है, यही महात्म। कोई आपको भगवान बना देगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप उन क्षेत्रों पे जाकर भगवान बनने की भावना भावोगे, ये उन क्षेत्रों का महात्म है। उस जगह की, उस जगह पे सैकड़ों लोगों ने भगवान आत्मा की भावना भाई है, और आप भी वहां जाके वो सब चीजें वहां देखकर आपको फील होगी, ये उनका महात्म है। कण कण प्रसिद्ध, क्योंकि माइंडसेट है आपका, अन्यत्र आपको ये भाव होगा ही नहीं जो वहां होगा। लेकिन वो भाव आप लाओगे तो वो बलजबरी से नहीं होगा। पॉइंट समझ में आए कि नहीं है? जैसे भूमि भी उपजाऊ है बराबर, और बीज में भी उत्पन्न होने की क्षमता है, लेकिन अगर आप उसे प्लास्टिक की थोड़ी सी पॉलिथिन में डालकर जमीन में डालोगे तो अब भूमि क्या कर आया, एग्जांपल ख्याल में है ना। अच्छी उपजाऊ भूमि है बराबर, 100 गुना पाक जिसमें होता हो, और बीज भी हाई क्लास है जो कई गुना फसल देता हो, तो भूमि भी उपजाऊ है, बीज भी अच्छा है, लेकिन क्या गड़बड़ी रही अंकित भाई, उस बीज को कैसा किया, पैक करके डाला पॉलिथिन के एक उसमें, अब उसकी क्षमता प्रकट होगी क्या,
अथवा थोड़ा फ्राई करके डाला, अब उसकी क्षमता प्रकट होगी क्या? सेक दिया तो क्षमता चली गई, पैक कर दिया तो क्षमता चली गई। ऐसे ही क्षेत्र में जाकर के अगर आप कषायों से सिक गए और भोगों में पैक हो गए तो क्षेत्र क्या कर लेगा? अब यहां से दूसरी बात भी कह रहा हूं, पहले बोला था क्षेत्र और उसमें अंतर है, अब जिन्होंने अंतर मिटा दिया है उनको क्षेत्र क्या कर लेगा? उनको तो वो टूरिस्ट स्पॉट ही बन गया ना। जो पवित्र हृदय से जाते हैं उनकी सब चीजें अलग अलग होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वो क्षेत्र पे जाने के लिए बरमूडा नहीं खरीदते, वो जब्बा लहंगा खरीदते है। जब्बा लहंगा, चलो भाई शांति से यात्रा करेंगे, सीडी कैसेट भजन भक्ति प्रवचन ये लेके जाते हैं, साधर्मियों का साथ ढूंढते हैं। वो क्या कर रहे हैं? क्षेत्र को क्षेत्र रहने दे रहे हैं। तो उन्होंने अब और वहां जाके बढ़िया फाइव स्टार होटल नहीं बनवाते, जो है धर्मशाला वहां पे जो सात्विक भोजन मिलता है वो करते हैं। मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं कि क्षेत्रों में जाकर अपने चित्त को कषायों से सिकने नहीं देना चाह रहे और भोगों में पैक नहीं होने देना चाह रहे, तो उनके लिए क्षेत्र कारण बन जाता है। और जो वहां जाकर के भी कषायों में सिकते रहते हैं, रोस्टेड ट्रेवलर हैं कौन से रोस्टेड यात्रालु, ट्रेवलर तो नहीं, रोस्टेड यात्रालु, वहां जाके भी क्या कर रहे हैं? कषायों से सिकते जा रहे हैं, वहां जाकर के भी भोगों में ही पैक हो रहे हैं, उनके लिए चित्र कुछ नहीं कर पाएगा। बात ख्याल में है कि नहीं है? समझे? हाँ, तो विचार ना, और शांति से सब चीजों को समझते हुए चलना कि भाई यहाँ से बात आई थी ना कि जो जीव यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव आदि है, वो सम्यक दृष्टि जीव कर्मों के बंधन के समय, उपभोग के समय भी अपने स्वाभाविक गुणधर्म को छोड़ता नहीं है, इसीलिए वो निर्जरा को प्राप्त होता है। ये बात अपनी दो तीन दिन से लगभग चल रही। इसमें महिमा किसकी आई? स्वभाव की महिमा। किसकी महिमा आई? स्वभाव की महिमा। उसी से संबंधित ये भावार्थ आता है ना, ये भावार्थ हो गया था ना। हाँ, अब आप श्लोक काट लेना, श्लोक। हाँ, तज ज्ञानस्येव सामर्थ्यम विरागस्य वाकिला। यत् कोऽपि कर्म विकर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते। पढ़ो एक बार। देखो क्या कहते हैं, तज ज्ञान सेव सामर्थ्यम, यह सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान की सामर्थ्य है। किसकी सामर्थ्य है? ज्ञान। तज मतलब वह है, सम्यक दृष्टि के ज्ञान की सामर्थ्य। और पहली बार ज्ञान के साथ में वैराग्य को बोला, मतलब बोला इसलिए पहली बार आ रहा, ऐसा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य तो प्रयाग है सम्यक दृष्टि का, नहीं यही समझ में? प्रयाग किसे कहते हैं? जहाँ दो नदियाँ मिलती हो ना, उसे बोलते हैं प्रयाग। बराबर, ऋषिकेश हो, रुद्र प्रयाग हो, या ये इलाहाबाद वाला प्रयाग हो, ये प्रयाग एक कॉमन शब्द है। कौन सा कॉमन? जहाँ जहाँ पर भी दो नदियाँ मिलती हों, उन दो नदियों के मिलन को हम क्या बोलते हैं? प्रयाग। बराबर। तो सम्यक दृष्टि का अंतर मन तो ज्ञान और वैराग्य का प्रयाग है।
मतलब कॉन्स्टेंट उसके अंदर में चलेगा ही चलेगा, वो बाहर में दिखे ना दिखे, किसी को कोई अंश दिखे किसी को कोई अंश ना दिखे, वो अलग मैटर है। जैसे भरत आदि के अंदर में हमें बाहर का ज्ञान आदि का अंश दिखता है, वैराग्य आदि का दिखता नहीं है, लेकिन अंतर में तो समरस घटा घटी। और कोई ऐसा हो जिसमें वैराग्य की प्रबलता दिखती हो और थोड़ा अल्प बुद्धि हो, मतलब अपन गए ना तो ज्ञान दिखता ना हो, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान और वैराग्य का प्रयाग सम्यक दृष्टि का अंतर होता है, और उस दोनों के वॉल्यूम जो है, ज्ञान का वॉल्यूम और वैराग्य का वॉल्यूम, निरंतर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ में आया? ज्ञान और वैराग्य का जोर दिवस दिवस बढ़ता ही जाता है, बराबर। वर्धमान मोड में होता है वो, ही मान मोड में नहीं होता। हम भी किनके शासन में जी रहे हैं? वर्धमान महावीर के शासन में जी रहे हैं ना, तो हमको भी थोड़ा निर्णय करना कि हमारा अंदर का ज्ञान, हमारा अंदर का वैराग्य, हमारे अंदर की दृढ़ता, ये वर्धमान मोड में चले, चलनी चाहिए। आयु तो बढ़ ही रही है ना भैया, आयु बढ़ने के साथ में ज्ञान वैराग्य ना बढ़े तो लाभ क्या है? जीवन के अनुभवों से सनातन अनुभव की सिद्धि नहीं की तो जीवन तो व्यर्थ ही गया। आप विचार करके देखो कि आपका जीवन कितना जटिल हो जाए जब रोज पानी पीने के लिए आपको रोज कुआं खोदना पड़े, है? कितना जटिल हो जाए आपको। अभी मई के महीने में जब कहीं कहीं पानी की कमी आती है तो पानी भरने के लिए कुआं में जाना पड़े, तो गांव में जाके देखो क्या हालत होती माताओं बहनों की। अखबार में फोटो आ जाती जब 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाती हैं। अरे अरे, पानी लाने के लिए 20-20 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो सोचो कि रोज आपको पानी पीने के लिए कुआं खोदना पड़े तो कितना मुश्किल है भाई। स्वानुभव के आनंद कूप के बिना आप आनंद के लिए प्रयास कर रहे हो, मतलब रोज पानी के लिए रोज कुआं खोद रहे हो। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? कभी गोवा में कुआं खोद कर आओगे, कहीं कश्मीर में, कहीं कहीं दुबई में, कहीं होटल में, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर, सब जगह कुआं खोद कर आओगे, और फिर घर आके क्या करोगे? फिर नया कुआं खोदो। आप विचार करो, दृष्टांत ख्याल में आया कि नहीं आया? कि रोज आनंद के लिए, मतलब प्यास के लिए रोज कुआं खोदना पड़े तो कितनी दरिद्रता की बात है, कितनी जटिलता की बात है, कितनी कठिनाई की बात है। हे जी, एक बार आनंद का कुप अंदर में खोद लेना, हर जगह बार बार खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस आनंद के कुप में ज्ञान और वैराग्य की धाराएं मिलती जाएंगी और तेरे अंदर की जो तृषा है वो शांत 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 होती जाएगी। और शांत ही नहीं होगी, उस कुएं का जल दूसरों की शांति का भी कारण बन जाए। हाँ, इसलिए जिसने स्वानुभव का कुप नहीं खोदा उसे विषयों में सुख पाने के लिए रोज कुएं खोदने पड़े। अब गजब है, खोदने का श्रम कितना और पीने का सुख कितना, इतना अंतर लगा लेना। समझे? खोदने में कितना जाएगा, कुआं खोदने की बात कर रहे हैं, विषय सुख आसानी से तो मिलते नहीं, आपके कुआं खोदने की क्यों बात कर रहे हो? बोले मैं बहुत विचार करके बोल रहा हूं। विषय सुख को मिलन प्राप्त करने का टाइम
और कुआं खोदने का टाइम अगर देखा जाए तो विशेष सुख को प्राप्ति का टाइम ज्यादा लगेगा। ये जो जो भी हमारे दुर्लभ विषय है ना, उनके लिए तो सालों साल लग जाते हैं। मतलब साल भर से आप कुआं खोद रहे हो और तृप्ति का टाइम कितना मिला? अब ऐसे गणित में कैसे उसे जस्टिफाई कर बोल। मुझ में आया? हाँ, इसलिए इसको थोड़ा विचारो गंभीरता के साथ में, समझना भैया। ओ हो हो, क्या इसके लिए जो श्रम किया वो श्रम स्वानुभव में होता तो ऐसा नहीं लगता परमानेंट तृप्ति, परमानेंट कुआ खुद गया होता, उसमें ज्ञान वैराग्य की धारा अपने आप चलती रहती, प्यासे ही नहीं लगती। कुएं का यही तो होता ना, एक तो आपके यहाँ पर भी है, सोसाइटी में भी टंकी होती है पानी की, टंकी, और कुआं में भी पानी होता है, तो टंकी के पानी में और कुएं के पानी में क्या अंतर है? पानी में क्या अंतर है? एक में भरना पड़ता है और दूसरे में भरता रहता है। तो कई लोगों ने कुआं देखा ही, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा दिवस हो गया, इसलिए कुछ दृष्टांत थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन पता तो होगा ना। टंकी में भरना पड़ता है और कुएं में भरता रहता है। सम्यक दृष्टि का सुख ज्ञान वैराग्य की भांति आनंद कूप है, और मिथ्या दृष्टि की टांकी है वो तो पसीने की बूंद से भरने जैसी है, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि भरते हो जरा सा और सूख जाता है पूरा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, विषयों से सुख प्राप्ति की इच्छा ये मात्र मात्र छलावा। इसीलिए प्रभु सम्यक दृष्टि का गजब है, उसने ही निर्णय, मैं बार बार यथार्थ की निर्णय करके बैठा है कि सुख अंदर में है, सुख अंदर में है, सुख अंदर में है। इसीलिए कोई भी चीज उसे भ्रमित प्रलोभित नहीं कर पाती, प्रलोभित नहीं कर पाती। कैसे? जैसे जो होता है ना, जैसे कोई चीज है आपको अगर पता ना हो, बराबर, गणित अगर मुझे कोई आती हो, नहीं आती तो कोई कैसी भी गणित पढ़ा देगा मुझे, लेकिन अगर मुझे आती है तो कोई मुझे प्रलोभित नहीं कर पाएगा। ये नियम, अगर मुझे सत्य स्वरूप का भान है तो कोई मुझे प्रलोभित विचार करते। आप एटीएम पे खड़े हो, बराबर, अब आपको आपका पासवर्ड पता है, अब बाजू वाला कहता है अरे 2004 डाल के देखो ना, नहीं हुआ 2025 डाल के देखो, अरे भाई मेरा पासवर्ड मुझे पता होगा, क्यों दिमाग खराब? अरे नहीं, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। पीछे वाला कहे मैं तो क्या कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प करनी है ना, प्लीज चुप रहो, फोकस करने दो। है, अरे भाई मेरा पासवर्ड मुझे पता है, तुम हो कौन हेल्प करने वाले? सब मैं तो सीख रहा, सुख का पासवर्ड रुको रुको मुझे पता है, फिर पांच इंद्री की विषय, अरे मैं हेल्प कर दूं, चुप। धन वैभव भोग का आकर्षण आए, बोले चुप भाई, मुझे पता है मैं अपने आप से सुखी हो सकता हूं, बस मुझे मेरे में रहने दो। हाँ, समझ में आए कि नहीं? और जिसे ये पता उसे कौन भटकाएगा बताओ, उसे कौन भटकाएगा? और भटकाने वाले आते हैं तो वो सबको दूर कर देता है कि भाई इस तरीके से उसके अंदर में ये ज्ञान शक्ति है और वैराग्य शक्ति। वैराग्य शक्ति बाहर से बचाती है और ज्ञान शक्ति अंदर से एनर्जाइज करती है। बराबर कहना है कि नहीं? दोनों चीजें होती हैं, जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है ना, सैटेलाइट लॉन्च होता है तब दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो उसके अंदर की एनर्जी, बराबर, एक उसका पाथ। कि पाथ में दो चीज़ें मेजर की जाती हैं, कौन सी? कि भाई वो अपने जो उसका पाथ बनाया गया है उसी पाथ पर जा रहा है कि नहीं जा रहा, और दूसरा नंबर जो उसे बूस्टर मिलना चाहिए बराबर मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अगर अंदर से बूस्टर मिल रहा है, बाहर से पाथ डिसाइड है, तो चंद्रयान सफल है, मंगल ही मंगल है।
तो वैराग्य क्या है, पाथ डिसाइड कर देता है, और ज्ञान क्या है, बूस्टर। आई कि नहीं ये बात ख्याल? वैराग्य यहां वहां जाने नहीं देता, और ज्ञान जहां जाना है वहां झड़प से लेकर जाता है। और जिसके अंदर में, अब मैं सोचता हूं, सच बता रहा हूं, कई बार बहुत सोचता हूं, जिसके अंदर में वैराग्य नहीं है और ज्ञान भी नहीं, उसके जीवन में क्या होता होगा? कई बार मैं बहुत करुणापूर्वक विचार करता हूं, हर विषय अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे में वो आदमी रहता कैसे होगा? विचार करके देखो, अब जैसे छोटा है वेदांत से, बराबर स्कूटर पे बैठा हो, नारियल पानी देखेगा पापा नारियल पानी दिला दो, खिलौने की दुकान देखी पापा खिलौना दिला दो, आगे जाएगा पापा ये दिला दो, मतलब घर से मंदिर तक पहुंच, मंदिर से घर तक पहुंचूं उतनी देर में 50 जगह बोलता है, यहाँ ये दिला दो, वहां वो दिला दो, वहां वो। अब अगर वो तो चलो बच्चा है भूल जाता है, अपन लोगों को भूलने की कैपेसिटी कम है, खासकर बुरी चीजें, अच्छी चीजों में तो PhD है, इसमें अच्छी चीजें भूलने में PhD है और बुरी चीजें याद रखने में PhD। अगर कांस्टेंट जो उसके अंदर में 50 इच्छा आई थी यहां से लेकर मंदिर से लेकर घर तक जाने में, वो लगातार उसके दिमाग में घूमती रहे तो वो एक भी काम का आनंद नहीं ले पाएगा। ऐसे ही अगर आपका जीवन में थोड़ा बहुत भी वैराग्य ना हो तो जो भी चीज दिखेगी उससे दुखी, बोले कल ही घूम के आए लेकिन आज ये जगह घूम कर आए यहां तो गए नहीं, बोले कल ही खा के आए लेकिन इस होटल में खाया इसमें तो खाया ही नहीं, कल ही शॉपिंग की बोले ये वाली चीज तो खरीदी है तो खरीदी नहीं। हर विषय आपको अपनी तरफ खींचे तो आपकी क्या हालत होगी? और जहां जाना हो वो कुछ पता ही नहीं हो, उसका ईंधन ही ना हो आपके पास, तो आपकी क्या हालत हो? मुझे सच में करुणा आती, जिनको मोक्ष का मार्ग नहीं पता, ज्ञान भी नहीं है, जिनके अंदर वैराग्य भी नहीं है, जिनको हर विषय अपनी तरफ खींच रहा है, जिसको निर्णय नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, बस चौराहे पे खड़े हैं, कोई भी आके अपने साथ बिठा के ले जाए, उसे क्या कहोगे? बोलो क्या कहोगे उसे? चौराहे पे खड़ा है, कहाँ जाना है, लिफ्ट मांग रहा है सबसे, पूछेगा कहाँ जाना है, पता नहीं, बिठा लो बस, कौन है भाई लावारा है? लावारिस, इसको छोड़ो, ये एटम बम से खतरनाक। ये ज्ञान शून्य जीवों की हालत ऐसी है कि संसार के चौराहे पे खड़े हैं, हर एक आदमी से लिफ्ट मांग रहे हैं, तुम बिठा लो तुम बिठा लो तुम बिठा लो, वो आदमी आके रुक के पूछता है जाना कहाँ है, बोले पता नहीं। समझ में आया? इसीलिए ज्ञान वैराग्य, आप भले ही जगत कुछ भी बोले लेकिन आप अपने अंदर में दो चीजों को बहुत संभाल करके रखना, एक कौन सा है, ज्ञान शक्ति और वैराग्य। वैराग्य आपके पाथ को डिसाइड करेगा और ज्ञान आपके पाथ पर बूस्टर इंजन का काम करेगा। ज्ञान आपको सूचित करेगा कि कहाँ जाना है और वैराग्य आपको अन्यत्र जाने से रोकेगा। अगर कल्टीवेट करना है अपने अंदर में तो इन दोनों को फलने फूलने दो। संसार इस होड़ में लगा है कि आप ज्ञान की बात मत करो, संसार इस होड़ में लगा है कि आप वैराग्य की बात मत करो। वो ये कहता है कि रोज नई नई बातें करो, रोज नया नया काम करो, ये जगत की अंधी दौड़ है, ये जगत की अंधी दौड़ है। और लोगों ने क्या गजब बात कर दी, दर्शन मतलब ये पूरे पश्चिमी लोगों की बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें हम समझ, वो फिलसूफ बातों को एकदम, मतलब जो खरे खरे यथार्थ जीवी बातें हैं उनको उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, नेगेटिविटी एक टेम्पलेट लगा दिया, क्या नेगेटिव हो जाओगे, ज्यादा ऐसा विचार करोगे तो नेगेटिव हो जाओगे,
अरे नेगेटिव पॉजिटिव क्या है इसमें, जो है सो है। भारत के लोगों को ये जो मूलभूत प्रश्न जो उनके अंदर में रहते थे और वो प्रश्न उनको रास्ता दिखाते थे, पश्चिम के लोगों ने जो व्यवस्था बनाई उसके कारण मूलभूत प्रश्न ही खत्म हो। उनको सामान्य बस दाल रोटी भोग विलास में ऐसे उलझा के रखा, 5 दिन तक कमाओ, 2 दिन तक खर्च करो, फिर अगले 5 दिन तक कमाओ फिर खर्च करो, अब ऐसे करके जीवन गुजार रहा है। अब पूरी युवा पीढ़ी खलास हो गई उनकी। अपन भले ही पश्चिम का इतना ज्यादा बखान करते हैं लेकिन इतने क्रैंकी होते हैं, इतने क्रैंकी होते, एक चीज भी ना मिले ना तो हैरान हो जाते। और हमारे अंदर में थोड़ी वैरागी की क्षमता होती है तो हर चीज को सहन कर जाते हैं। ज्ञान की क्षमता होती है तो फोकस होते हैं। अब ये जो ज्ञान वैराग का जीन्स हमारे अंदर में पड़ा था उसके कारण हम बाहर जाके इतने सफल हो रहे हैं। थोड़े बहुत जो भारत के लोग बाहर जाते हैं तो क्यों सफल हो जाते हैं, लौकिक की सफलता कह रहे हैं, हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो राग के कारण वैरागी हुए और मोह में आकर ज्ञानवान हो रहे हैं, लेकिन हो तो रहे नहीं है, ये नहीं समझ आया। राग के कारण, धन के राग के कारण वैरागी हुए और मोह के कारण ज्ञान हो रहे हैं कि भाई पैसा कमाना है, ये है ना वो है। इसलिए सब जगह अपने आदमी मिल जाते, मगर ये चीज इसके लिए थी नहीं, ये तो तुम गलत उपयोग कर। ज्ञान और वैराग्य का ताकत तो अपने सहज भोगों की विरक्ति के लिए और मन के विकल्पों से मुक्ति के लिए, कि आप भोगों से विरक्त हो, मन के द्वंद से मुक्त हो और अंदर सीधे सीधे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, इसके लिए बात है, और किसी के लिए नहीं। समझ में आया क्या कहें भाई, विचार ना जरा गंभीरता के साथ। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में कोई कितना भी बोले, मैं भरोसा आपको दिला दूं, क्योंकि देखो मुझे मालूम है मेरी आवाज़ कब तक आप सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे, कितनी देर, 24-23 घंटे तो आजू बाजू नॉइस पॉल्यूशन ही चलने वाला है। इसीलिए थोड़ी श्रद्धा के साथ इसे सुन लेना। बहुमत के चक्कर में तो आपको वही बातें सुनने को मिलेंगी, वही प्रेरणाएं मिलेंगी, क्योंकि जगत में ऐसा ही चल रहा है। हम भी देख जान रहे हैं, आप भी देख जान रहे होगे, कौन है जो वैराग्य की बातें करता है। और अगर टेम्पलेट सबके पास में रहता है इन बातों को, पुराने जमाने की बात, तुम तो भाई बुढ़ापे की बातें करने लगे, तुम तो फिलोसोफी की बातें करने लगे, ये देखो तो ज्ञान बांटते फिर रहे, मतलब ऐसे टॉइंट मिलेंगे आपको। ये कोई इसे अहोभाव पूर्वक नहीं स्वीकार रहा, ये सबको किस रूप में स्वीकार रहे, व्यंग रूप में स्वीकार रहे। और खाने पीने घूमने फिरने की बात हो तो डबल इंजन, दो दो कान नहीं, 4-4 कान से सुनेंगे, दो दो आंख से नहीं, 10-10 आंखों से देखेंगे। ये है जगत का, लेकिन क्या करें भाई, हो सत्य तो सत्य है। तुम आज जो अनुभव कर रहे हो वो सत्य नहीं है, भगवान सर्वज्ञ प्रभो वीतरागी प्रभो, वस्तु स्वरूप को जानकर मोक्ष और मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं और उस मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान और वैराग्य की शक्ति देते हैं। क्या सर्वज्ञ प्रभु सब कुछ जानकर किसका उपदेश देते हैं, दो चीजों का, मोक्ष और मोक्ष मार्ग, और उन दो पर चलने के लिए किसका उपदेश देते हैं, साधन किससे चलेंगे हम, बोले मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान के साथ वैराग्य होना चाहिए। जैसे एक पंख कितना भी पावरफुल हो, दूसरा पंख ना हो तो क्या उड़ पाएगा, एक पैर खली जैसा मोटा हो और दूसरा पैर ना हो तो क्या चल पाएगा। ऐसे ही आप ज्ञान में सक्षम हो जाओ, वैराग्य में निर्बल रहोगे, मोक्ष मार्ग में कदम नहीं बढ़ा पाओगे।
वैराग्य में आगे बढ़ गए, ज्ञान में निष्फल रहोगे, ज्ञान गगन में उड़ नहीं पाओगे। इसलिए अंदर में दोनों चीजों को विकसित करो। बीज भूत पड़ी हुई है ये चीजें, नहीं पड़ी ऐसा नहीं है, ज्ञान भी पड़ा है, वैराग्य भी पड़ा है, उसे उसे माहौल दो, उसका मखौल मत उड़ाओ। मखौल समझते हैं ना, लोगों ने इसको क्या कर दिया, मैंने बोला नेगेटिविटी, ज्ञान की बातें करो हंसी में उड़ा देते, वैराग्य की बातें करो बोरिंग कह देते, वैराग्य को बोरिंग कह दिया है, वैराग्य को क्या बोल दिया, बोरिंग, और ज्ञान को मजे लेने लगे, ज्ञान ने व्यंग में ले लिया, मखौल उड़ा दिया। मैं कहता हूं ज्ञान और वैराग्य का माहौल बनाओ, बन जाएगा कि नहीं, ये सम्यक दृष्टि कर रहा है। और इनके कारण क्या होता है, उसका फल देखो, फल कि इन दोनों के कारण तज ज्ञानस्येव सामर्थ्यम विरागस्य, ज्ञान और वैराग्य का सामर्थ्य देखो कैसा, यत कोपी कर्म भी कर्म भुंजानोपि न बध्यते, कि ज्ञानी और वैरागी जीव हो कोई भी कर्म को भोगते हुए नहीं बनता है। बोले जाके मेरे ऑफिस में एक भाई, वो कहते कोरोना हुआ था ना, कोरोना तो वो कई बार बता, अरे हूँ तो मास्क वगैरह बधा नहीं सेवा करवा जो तो हूँ तो जेने तो एम आम करी ने तेल मालिश बधू कर दो तो हाँ जो तो साची बात क्यों 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 पावत, आपने तो मास्क बांधिए तो ये मादा थता था, अरे अरे अपने को महिमा आती कि नहीं आती, इम्यूनो जोरदार, क्या कहें इम्यूनो जोरदार, कैसी इम्यूनो, और वास्तव में ऐसे देखे, ऐसा नहीं कि नहीं देखे, ऐसे लोग भी थे, वो ये कि बोले कि उनकी पत्नी को और उनके जिया जी को था, बोले मैं तो बिल्कुल मास्क वगैरह ही उनके साथ में रहा, उनका इतना ज्यादा था लेकिन सब तेल लगाया, सेवा की, सब किया। ओह कितनी इम्यून हो, ये ज्ञानी की इम्यून, ये ज्ञान वैराग्य की इम्यून हो, कैसी उनकी कि कर्मोपी भुंजते ना बंधती, कर्म को भोगते हुए भी नहीं बनता। और हमारी इम्यूनो कैसी, ना भोगते हुए भी बन जाए, एक भोगते हुए भी नहीं बनता और एक ना भोगते हुए बन जाए, एक को सांप काट खाए तो भी नहीं मर रहा और एक को कांटा चुभे और मन में बैठ जाए कि सांप ने काटा सो मर जाए, ऐसा होता है, ऐसा ये सामर्थ्य, सामर्थ्य सामर्थ्य विकसित होती है, सामर्थ्य की हमेशा ही खूबी होती है, सामर्थ्य पड़ी हुई होती है उसे विकसित करना पड़ता है। बीज में सामर्थ्य है बट वृक्ष बनने की, लेकिन उसे विकसित करना पड़ेगा। हमारे अंदर में वैराग्य की सामर्थ्य है, अनंत पदार्थों के बिना चल सके ऐसे हम आज भी हैं, लेकिन आज की आज नहीं हो जाएगी, विकसित करनी पड़ेगी। ज्ञान में भी ऐसा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कहते हमें याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, आप याद करना चालू करो, अपने आप ज्ञानावरण का क्षोभसम आपका खिलने लगेगा। पहले दिन आप बैठोगे ना याद करने, आप शायद 2 घंटे बैठोगे एक पंक्ति याद नहीं होगी, बराबर, थोड़े दिन और बैठो फिर 2 घंटे में 1 श्लोक याद हो जाएगा, थोड़ा और बैठो फिर 2 घंटे में 2 श्लोक याद हो जाएंगे, थोड़ा और बैठो तो 1-1 घंटे में 10-10, 15-15, 20-20 श्लोक याद कर लो। जितने भी लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान, अरे ज्ञान की सामर्थ्य पड़ी हुई है साहब, विकसित तो करो, खाद पानी दोगे कसाय में और ज्ञान बढ़ जाए कैसे होगा। आपको नहीं लगता 92 साल के कुनकुन आचार्य देव 15 दिन के अंदर 415 गाथा लिख देते, 90-92 साल के गुरुदेव श्री प्रवचन धारावाही रूप से करते हैं कैंसर की अवस्था में, उनका ज्ञान कहीं चला नहीं जाता और आपका क्यों चला जाता है? अब वो क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक होंगे तो न्यूरॉन्स पे लेके जाएगा,
किस पे लेके जाएगा? न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं ना, फलाना होता है ना, उसमें ज्यादा मुझे पढ़ना नहीं। मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, ज्ञानावरण आवरण है और कषायों के कारण और प्रबल होता है, और ज्ञान के अभ्यास से वो आवरण शिथिल होता है। नहीं, यही बात ख्याल में? क्या बोला? ज्ञान आवरण है, बराबर। ऑलरेडी संध्या का समय है, ऊपर से आपने लाइट भी बंद कर दी, पर्दा भी गिरा दिया, दरवाजा भी लगा दिया, अब क्या होगा? अंधेरे का आवरण और प्रबल होगा, और प्रबल होगा, और प्रबल होगा। सेम ज्ञान के आवरण हमारे ऊपर है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? कषायों की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो ज्ञान का आवरण कषायों के कारण और प्रबल होता है। तो निर्बल कैसे होगा? बोले ज्ञानाभ्यास से निर्बल। किससे निर्बल होगा? जब आप ज्ञान का अभ्यास करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, बार बार चिंतन मनन करोगे, तो जो आवरण था ना, आवरण, वो आवरण क्षीण होगा। आवरण क्षीण होगा तो अपने आप आपकी स्मृति भी अच्छी हो जाएगी, स्पष्टता भी आ जाएगी। नहीं तो कहते पंडित जी हमें याद था तो नहीं, हमें याद रहे तो नहीं, हमें याद होगा होगा। अभ्यास करो, क्या करो? अभ्यास। अब वही कषाय अभ्यास में बाधक बनती है। हमें लगता है यार एक घंटे हम इसको पढ़ के वो करेंगे और एक घंटे टीवी देखेंगे, टीवी देखने में कषाय का पोषण होता है, मोबाइल चलाने में कषाय का पोषण होता है, अभ्यास करने में कषाय का दमन होता है, ज्ञान की प्रैक्टिस होती है, ज्ञान की प्रैक्टिस होती है आवरण क्षीण होता है, क्षीण होता है ज्ञान खिलता है। हम लोग तो पढ़ने ही छोड़ दिए, फुल टाइम मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है उससे? कषाय का आवरण और प्रबल हो रहा है, जो ज्ञान की क्षमता है और निर्बल होती जा रही। नहीं आ रही बात समझ में की? बैठ रही पूरी गणित, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग सब साथ में चल रहा है। इसलिए जिनको जिनवाणी प्रिय नहीं लगती वो लोग और जिनवाणी पढ़े, जिनको प्रिय लगती वो तो पढ़े, और जिनको नहीं प्रिय लगती वो डबल पढ़े। पहले प्रिय लगाने के लिए पढ़ेंगे, फिर आवरण खिलेगा, और फिर प्रिय भी लगेगी और समझ में भी आएगी। समझ आए कि नहीं आया? चलिए कषायों में चित्त को मत लगने दो, आपका ज्ञान खिलेगा। मुझे शक्ति है, वो सामर्थ्य है, सामर्थ्य सबके अंदर है। हाँ, सामर्थ्य सबके अंदर है, बस उसको खिलने दो, उचित प्रकार के अभ्यास से खिलने दो उसे, विपरीत प्रकार से उसे दबाओ मत। जगत में सब जगह दौड़ दौड़ करनी, मोक्ष मार्ग में मेहनत नहीं करनी, ना भोगों से हटने की मेहनत करनी है, ना जिनवाणी पढ़ने की मेहनत करनी है। मोक्ष मार्ग स्पून फिटिंग चाहिए, भोग मिलते हैं स्पून फिटिंग से, और वो तो मिल भी जाए पुण्य के अधीन है, मोक्ष मार्ग पुण्य के अधीन नहीं है, पुरुषार्थ के अधीन। भोग फिर भी आपको स्पून फिटिंग के रूप में मिल जाएंगे। वो कौन सा बॉय कहलाता है? गोल्डन डायमंड चम्मच कौन सा बॉय कहलाता है वो? है हाँ, बॉर्न विद गोल्डन स्पून, सोने की चम्मच, वो पुण्य से मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ मतलब वैराग्य और ज्ञान और कुछ नहीं। पुरुषार्थ मतलब क्या? वैराग्य। और वैराग्य क्या करेगा? पाथ डिसाइड करेगा, और ज्ञान क्या करेगा? बूस्टर। और इसका सामर्थ्य क्या है कि पुण्य के उदय से जो भोग सामग्री मिलती है उसको भोगते हुए भी ज्ञानी बनता नहीं। ये मार लिखा है ना यहाँ पर, खरेखर ते आश्चर्यकारक सामर्थ्य ज्ञाननुज छे अथवा विरागनुज छे के कोई सम्यक दृष्टि जीव 32 लाख विमानों का स्वामी सौधर्म इंद्र, 9 रत्न 14 निधि का स्वामी, नहीं 14 रत्नों निधि का स्वामी चक्रवर्ती,
96 स्त्री हजार स्त्रियों का स्वामी चक्रवर्ती, इतने कामदेव, ये सारे के सारे जीव प्रबल पुण्योदय को भोगते हुए भी बनते नहीं है, ये सामर्थ्य है। अज्ञानी ने तो आश्चर्य उपजावे छे, अने ज्ञानी तेने यथार्थ जाने छे। अब एज ज्ञानी सामर्थ्य माटे आगळनी भी गाथाओ आपणे काले चर्चा